जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर की एक साथ यात्रा करेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हमने सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर पर डिटेल वीडियो अलग से बना रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप देश के किसी भी शहर के रहने वाले हो, सबसे पहले सोमनाथ आए। सोमनाथ आने के लिए आपको वेरावल जंक्शन या सोमनाथ स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। वेरावल स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद आदि प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वेरावल स्टेशन से मंदिर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां आप बाय ऑटो 20 से 30 रुपये देकर आसानी से 10 मिनट में जा सकते हैं। अगर आप सोमनाथ बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव हवाई अड्डा है, जो सोमनाथ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दीव से सोमनाथ टैक्सी और बस से आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा आप राजकोट और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी आ सकते हो। अगर आप सोमनाथ में शाम के समय पर गए हो तो यहाँ आपको नाइट स्टे करना होगा, और अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए हो तो आप शाम तक आसानी से सोमनाथ घूम लोगे। हम शाम के समय पर सोमनाथ पहुंचे हैं, इसीलिए सबसे पहले रूम लेते हैं। यहां आपको 500 रुपये में बहुत सारे रूम और धर्मशालाएं मिल जाएगी। आप सोमनाथ ट्रस्ट के यात्री निवास में भी रुकना चाहते हो तो मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से रूम बुक करवा सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शाम के समय में मंदिर में दर्शन करके लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। लाइट एंड साउंड शो को आपको प्रति व्यक्ति 30 रुपये देना होगा। मंदिर में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मंदिर के बाहर लॉकर में मोबाइल फोन निःशुल्क जमा करवा दे। मंदिर में दर्शन और लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद हम सोमनाथ में रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन सुबह सोमनाथ की लोकल साइट सीनिंग करेंगे। सोमनाथ में भोजन के लिए मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर निःशुल्क भोजन प्रसादालय ट्रस्ट द्वारा संचालित है, वहां जाकर आप स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं। सोमनाथ में घूमने के लिए ट्रस्ट द्वारा बस सेवा उपलब्ध है, जो 2 शिफ्ट में सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे चलती है, जिसका किराया 30 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ता है। बस के अलावा आप ऑटो से जाना चाहते हो तो 500 से 600 रुपये देकर आप ऑटो से भी पूरे सोमनाथ में घूम सकते हो। सोमनाथ में दर्शनीय स्थल त्रिवेणी घाट, बालका तीर्थ, श्री राम मंदिर, प्रभास पाटन संग्रहालय, सोमनाथ बीच, पंच पांडव गुफा, गीता मंदिर, कामनानाथ महादेव मंदिर, गोलोक धाम तीर्थ, शशिभूषण मंदिर, बाणगंगा आदि प्रमुख स्थल है। दिन भर सोमनाथ में रहने के बाद रात्रि 11 बजे वेरावल स्टेशन से सोमनाथ ओखा एक्सप्रेस में बैठकर सुबह 7 बजे द्वारका पहुंच जाए। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो भारत के 4 धामों में स्थित है। द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में गोमती नदी एवं अरब सागर के संगम पर बसा हुआ है। द्वारका में आप रूम लेकर गोमती नदी की तरफ निकल जाए। यहां आपको रूम 1500 से 2000 रुपए में पड़ेगा। जबकि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो इसके लिए आपको 500 से 1000 रुपए देने होंगे। आप गोमती नदी में स्नान करके द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर दोपहर 1 से 5 बजे तक बंद रहता है। मंदिर में दर्शन के बाद आप गोमती घाट, पंचनंदन तीर्थ, द्वारका बीच, बटकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिए। द्वारकाधीश मंदिर में भी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूर्णतः वर्जित है। आज का रात्रि विश्राम हम द्वारका में करेंगे। अगले दिन हम रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और पेट द्वारका जाएंगे। द्वारका में खाने पीने की कोई समस्या नहीं आएगी। द्वारका में भोजन थाली 100 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। अगले दिन सुबह रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो आप बस के द्वारा इन सभी जगहों पर जा सकते हैं। इसके लिए आपसे बस वाला 100 रुपये प्रति व्यक्ति लेगा।
दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप प्राइवेट ऑटो भी लेकर जा सकते हो, जो दिन भर के आपको 1500 रुपए के आसपास लेगा। हम अगले दिन सुबह बस से यात्रा करेंगे। बस आपको सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे मिल जाएगी। शुभ रात्रि। आज सबसे पहले हम रुक्मिणी माता के मंदिर में जाएंगे। यह द्वारका मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका यह बस का टिकट द्वारका दर्शन साइट सीन का आपका यह दर्शन है। इसमें यह बस वाले आपको भाई 4 जगह का दर्शन रहेगा। सबसे पहला माता रुक्मिणी का मंदिर, फिर नागेश्वर, फिर गोपी तलाव, फिर बेट द्वारका। यह 4 मंदिर का दर्शन रहेगा। 4 जगह में से आपका मेन और मुख्य दर्शन रहता है बेट द्वारका को। सबके साथ में जाना, सबके साथ में आना। बिना दर्शन को यात्री गाड़ी में आना नहीं, दर्शन हो जाए तो फालतू समय बिताना नहीं। बोलो रुक्मिणी माता की जय। यह हम रुक्मिणी माता के दर्शन करेंगे। रुक्मिणी माता का मंदिर काफी सुंदर और भव्य बना हुआ है। रुक्मिणी माता के मंदिर के दर्शन के बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। यह द्वारका शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की एक विशाल मूर्ति भी लगी हुई है। हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इसके बाद गोमती तालाब की ओर आगे बढ़ जाएंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से गोपी तालाब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब के अंदर श्री कृष्ण जी और 16,000 गोपियों ने एक साथ स्नान किया था। गोपी तालाब घूमने के बाद हम बेट द्वारका चलेंगे। गोपी तालाब से बेट द्वारका की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। ओका से आप बाई बोट बेट द्वारका पहुंच पाओगे। बेट द्वारका पहुंचने के लिए बहुत जल्द पुलिये का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप बाय रोड भी बेट द्वारका जा सकते हैं। इस आइलैंड को बेट द्वारका इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी और उनके प्रिय सखा सुदामा जी मिले थे, तभी से इसका नाम बेट द्वारका पड़ गया। यहाँ पर कुल 5 मंदिर बने हुए है। सबसे पहले आप श्री कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन कीजिए। इसके बाद सत्यभामा मंदिर, राधा जी का मंदिर, जामवंती माता का मंदिर और लास्ट में रुक्मिणी माता के मंदिर में दर्शन कीजिए। अगर आप जुलाई से अक्टूबर में यहां आ रहे हो तो यहां आपको वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का आनंद भी उठा सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो अहमदाबाद से सोमनाथ, द्वारका और वापस अहमदाबाद में आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा में लगभग आपको 4 दिनों का समय लगेगा। जय हिंद दोस्तों।